बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस एंड मोशन इन स्पेस। तो इसको स्टार्ट करने वाले हम तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चैप्टर नेम है वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस एंड मोशन इन स्पेस। तो वेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। वेक्टर फंक्शंस, तो वेक्टर फंक्शंस, अच्छा जी वेक्टर फंक्शंस, ये वेक्टर का तो सबको पता है। लेट्स सपोज कि ये एक वेक्टर है हमारे पास, इसको मैंने कहा ये वेक्टर आर है, ठीक है, वेक्टर का तो सबको पता है। वेक्टर फंक्शंस को देख रहे हैं, इसको क्या कर देंगे एक्सिस में, हम इसकी एक्सिस बना लेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने इसकी एक्सिस बना ली है, इसको मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, इसको मैंने कहा ये वाई एक्सिस है, और इसको मैंने कहा ये जी एक्सिस है। ये हमारे पास अर्थ है ओरिजिन, ठीक है जी। ये पॉइंट हमारे पास P है, और ये क्या है पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू हो जाएगा O P के, ठीक है। ये साइन किसको शो करता है, डायरेक्शन को। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब फर्ज करते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है P पॉइंट पर, एक क्या है पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है। अब स्पेस में एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो लेट्स सपोज उसका कोई पाथ होना चाहिए ना, जिस पाथ के थ्रू वो मूव कर रहा है। तो उसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसका एक पाथ है। अब हमने जो कंसेप्ट देखना है वो वेक्टर फंक्शंस का है। तो यहाँ हम लिखेंगे वेक्टर फंक्शंस की बात है, जो हम वेक्टर फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर, फंक्शन को एफ से एफ ऑफ टी, ठीक है, फंक्शन को एफ से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जी से भी, जी ऑफ टी एंड एच एफ टी, ठीक है। ये क्या मतलब इसका कि फंक्शन, ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन स्पेस में, अ फंक्शन टाइम, ठीक है, इन अ फंक्शन टाइम, तो इसका ये मतलब है। अब इसमें जो हमें याद करने की जो चीज़ है, इसको एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में हमने क्या करा है, इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में एक्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी के, ये याद करने की बात है। उसके बाद वाई जो होगा हमारे पास इज इक्वल टू वो जी एफ टी, ठीक है, उसके बाद z इज इक्वल टू हुआ एच एफ टी, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें इसको याद करनी है, नंबर वन ये चीज़ याद करनी है आपने। उसके बाद नंबर टू पे आपने जो है इक्वेशन बनानी है। इस पाथ को हम पार्टिकल्स पाथ बोल सकते हैं, इसकी पार्टिकल इस पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी जो वेक्टर इक्वेशन बनेगी, वेक्टर फंक्शन की जो इक्वेशन होगी वो यूँ बनेगी कि r है हमारे पास पोजिशन वैक्टर है, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी एफ ऑफ टी, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर, फिर प्लस हमारे पास जी एफ टी, इसके साथ आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर, प्लस एच एफ टी, इसके साथ आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, इसको आप आर एफ टी इज इक्वल टू ओ पी करके भी आगे ये चीज़ लिख सकते हो। तो ये नंबर टू पे आपने याद करने की चीज़ें, कंसेप्ट है वेक्टर फंक्शन का। अच्छा जी, तो अब हम कंसेप्ट दे लेते हैं लिमिट्स का और कंटिन्यूसी का, कंटिन्यूटी का, ठीक है। तो यानी कंटिन्यूस कब होता है फंक्शन, ठीक है, किस पॉइंट पर। तो लिमिट्स का कंसेप्ट हम फर्ज करते हैं, लेट्स सपोज कि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास वन है, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास वन है, हम इसे कहते हैं कि क्या है वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं एल, हमने कहा ये एल जो है ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है जी। तो अब हम इसकी जो लिमिट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कहेंगे ये जो आर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ये आर जो है इसकी जो लिमिट होगी हैज़ लिमिट एल, लेट सपोज, ठीक है। और जो टी है वो अप्रोचेस टू हो जाएगा टी नॉट, ठीक है। अब इसकी लिमिट कैसे बनेगी, लिमिट इसकी बनेगी आर, लिमिट की बात करें, लिमिट कहा है हमने टी अप्रोचेस टू टी नॉट, किसकी लिमिट है आर ऑफ टी की, ठीक है, ये हमने कहा है इसकी जो लिमिट है वो क्या है एल है, ये जो है वो लिमिट का कंसेप्ट। अच्छा जी, अब कंटिन्यूस कब होगा, कंटिन्यूस तब होगा जब ये जो वैक्टर फंक्शन है हमारे पास, वैक्टर फंक्शन है वो टी इज इक्वल टू, यहाँ पर अप्रोच कर रहा था टी इज इक्वल टू टी नॉट, या टी इज इक्वल टू हमने क्या करना है टी नॉट कर देना है, ठीक है।
वेक्टर फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब टी इज इक्वल टू टी नॉट होगा इन इट्स डोमेन, ये एक शर्त है। तो ये सिंपल सा लिमिट कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन, एक्चुअली इस चैप्टर में जो बातें डिस्कस होंगी आगे इसके डेरिवेटिव्स वगैरह, तो ये सिंपल सा इसका क्या था इंट्रोडक्शन था। आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है, उसको हम आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।